Hello students, welcome back to our maths class. Today we will start our new chapter, that is mensuration. So this is your chapter number 10, mensuration. So isme the first topic is, you can see here, perimeter. So perimeter word suna hai aapne? Perimeter kya cheez hoti hai? Koi bhi figure ho aapke paas is tarah se, to uski ye boundary ki jo length hoti hai, ye boundary ko सारी साइड्स का टोटल करते हैं तो कितना होता है, बस वही होता है पैरीमीटर ऑफ द फिगर. अब यहाँ पे इस तरह सा ऐसा है ना, देखो प्लस जैसी साइन है, तो ये वाली फिगर की यहाँ से हम स्टार्ट करें तो इसको ऐसे मेजर करते जाएंगे, ये सारी लेंथ है ना ऐड करते जाएंगे और पूरा वन राउंड लगा देंगे, दैट इज मैं उसका बोलेंगे पैरीमीटर. ऐसी फिगर है तो भी देखो यहाँ से स्टार्ट करने का बोला उसने, तो यूँ इस तरह से पूरा जो मेजरमेंट होगा वो होगा उसका पैरीमीटर. नाउ यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, पैरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस. मतलब जो बाउंड्री होती है कोई भी फिगर की, जैसे यहाँ पे सारी फिगर्स दी है तो उसको आज पूरा एक चक्कर लगाओ. जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, फिर ये भी 10 है, देखो लिखा हुआ है, और ये 40 मीटर है, ये एक रेक्टेंगल है. तो इसका पैरीमीटर कितना होगा, 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 40, सबको मिला दोगे तो 100 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा. तो 100 सेंटीमीटर ये रेक्टेंगल का पैरीमीटर है. फिर ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऑल द साइज आर इक्वल. तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ये स्क्वायर का पैरीमीटर हो जाएगा. यहाँ पे फिर देखो ये ऐसी मैंने बताई वैसी फिगर है, तो यहाँ पे मेजरमेंट कहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बस याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट किया था. तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3, ये 1, ये 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, है ना. तो ये सबको ही मिला दोगे तो ये पैरीमीटर हो जाएगा. तो मतलब पैरीमीटर क्या है, अगर कोई फिगर के आजू बाजू आपको ऐसे बॉर्डर बनानी है, ऐसे लेस लगानी हो, डोरी लगानी हो, तो कितनी लंबी डोरी चाहिए आपको वो ही बताएगा आपका पैरीमीटर. फिर ये फिगर तो देखो एकदम अलग ही है, तो इसका भी पैरीमीटर हो सकता है, इसकी भी सारी साइज को मेजर करोगे ऐड करोगे तो मिल जाएगा उसका पैरीमीटर. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पैरीमीटर. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, पैरीमीटर ऑफ, नहीं एक्सरसाइज के पहले देखो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ. पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हेडिंग है यहाँ पे. तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर मेजर करना हो तो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि ये एक रेक्टेंगल था, तो इसमें 10, 40, 10 और 40, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये 10 और 40 को ऐड कर दिया 50 हो गया, और 50 का डबल कर दिया, हो गया ना, क्योंकि वैसा का वैसा ही इधर है, तो 50 इंटू 2 कर देंगे तो 100 आ जाएगा. तो ये रेक्टेंगल का पैरीमीटर का इक्वेशन बन जाएगा, क्या इक्वेशन बन जाएगा, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी, दोनों को ऐड किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसने 2 पहले लिख दिया, 2 इंटू एल प्लस बी. तो ये इक्वेशन इस तरह से होता है. और अगर स्क्वायर की बात करें देखो, तो पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तुम लोग सोचो कि स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं ना, एक साइड को देख के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैरीमीटर मिल जाएगा. तो
स्क्वायर के पेरीमीटर का इक्वेशन है 4 इंटू लेंथ, 4 इंटू लेंथ, उसकी जो लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, बराबर। इस तरह से इक्वेशन बन जाते हैं। तो उसने यहीं पे समझाया है, और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर आगे का टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल मेजरमेंट की हो, जैसे कि स्क्वायर, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है ट्राइंगल की, तो उसमें भी लेंथ इंटू 3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो यहाँ दिया है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो यहाँ जैसे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल, तो 3 इंटू 4 कर देंगे तो 12 हो जाएगा ना, तो बस 12 हो जाएगा उसका पेरीमीटर। तो ये रेगुलर साइड्स का, रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर है। नाउ करेंगे एक्सरसाइज 10.1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स दी है और उसका मेजरमेंट दिया है, उसकी सारी साइड्स का मेजरमेंट दिया है, तो क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 सेंटीमीटर आप लोग ये ए जो लिखा है ना उसके बाजू में लिख दोगे 12 सेंटीमीटर, बराबर। तो यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही आप लोग आंसर्स लिख दोगे ये सारी फिगर के पैरामीटर का, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कोई भी साइड छूट नहीं जानी चाहिए। ये छोटी वाली साइड का भी मेजरमेंट उसने दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह से घूमते जाना, एक भी साइड्स मिस ना हो और एडिशन कर देना। अब यहाँ पे देखो ये 4 है और ये जो है ना वो 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब आधा सेंटीमीटर, और ये भी 0.5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलके पूरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2.5 मिलके 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका दिमाग, यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैंने लिखना बोला नहीं है, बस पूरा आंसर ढूंढ के आप लोग आंसर्स लिख देना। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विथ टेप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो लीड है उसके ढक्कन को, मतलब आजू बाजू उसने टेप लगाई, तो कितनी टेप, वो टेप की लेंथ कितनी होगी, टेप कितनी लंबी चाहिए अगर उसके चारों तरफ हम टेप लगा देंगे। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द लीड कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द लीड 10 सेंटीमीटर। अब कितनी पूरी चारों तरफ अगर हमको टेप लगानी है तो कितना चाहिए, कितनी टेप चाहिए, उसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल लीड है, कैसे पता चला, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग मेजरमेंट की, अगर चारों साइड इक्वल होती है तो उसको तो स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ लेंथ और ब्रेथ की साइज लेंथ अलग है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, आप लोग ये इक्वेशन लिख दोगे, फिर उसके वैल्यू लिखोगे, 2 इंटू एल कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 10। तो
टू इंटू ये टोटल 40 प्लस 10 हो गया 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, बराबर। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें डेसिमल में तो 2.25 मीटर, क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से मिल जाएगा। फिर ब्रेथ ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू, अब ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूँ तो 1.50 मीटर। अब मैं लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो ये भी रेक्टेंगल ही अलग अलग है लेंथ और ब्रेथ, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये लेंथ है 2.25 और ब्रेथ है 1.50, ये दोनों मैंने लिख दिए। अब 2 इंटू इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा, 3.75, ओके। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, देखो मैं रफ में आपको बताऊं, 3.75 इंटू 2 करना है तो 5 टू ज़ा 10, 1 7 टू ज़ा 14 और 15 का 5 इधर 1 इधर, 2 3 ज़ा 6 और 7। अब यहाँ दो ज़ीरो है, सॉरी दो नंबर है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी दो नंबर रखने हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.50 मीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस लीड। नाउ क्वेश्चन 4 जो है वो आपका है होमवर्क। क्या है क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो 32 सेंटीमीटर है वो लेंथ है, 21 सेंटीमीटर है वो ब्रेथ है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन अपने आप करना है। मैंने जिसे सिखाया लेंथ लिखने की, ब्रेथ लिखने की और पेरीमीटर का इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यू रखने की और आंसर फाइंड करना है। सो क्वेश्चन 4 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 5 से मैं आगे चलाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।